हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दिप्रीशिता शो। तो आज बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हो तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उसमें से जो एक प्रॉब्लम होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के साथ आता है, वो कई बार क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट पे, आपके निपल के ऊपर कई बार कुछ एक या दो दाने हो जाते हैं और कुछ स्पॉट टाइप आपको दिखेगा। वो किसी भी कलर का हो सकता है, वो येलो कलर का हो सकता है, वो वाइट कलर का हो सकता है। जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको अच्छे से आइडिया होता है इसके बारे में। तो अगर आपके निप्पल पे दाना हो गया है, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। कई बार उसकी वजह से आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करा पाते हो। और कुछ मॉम्स के साथ में होता है कि ये दाना ऑटोमेटिकली 3-4 दिन में या 5 दिन में चला जाता है। बट कुछ मॉम्स के साथ में क्या होता है कि ये जो दाना है आपको काफ़ी टाइम तक रहता है, जिसको ट्रीट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो क्या ट्रीटमेंट आप इसके लिए ले सकते हो, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है, क्या होम रेमेडीज़ आप कर सकते हो, और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जिससे आगे ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़े। तो इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आपके ब्रेस्ट पे, निपल पे आपको दाना हो गया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका कारण क्या होता है, ये होता क्यों है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आगे आपको वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कुछ कारण होते हैं इसके। और सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है कि कई बार जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपकी पोजीशन करेक्ट नहीं होती, बच्चे को दूध पिलाने की पोजीशन आपकी सही नहीं होती, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाता है। फिर जो सेकंड चीज़ होती है वो ये होती है कि हमेशा जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो आपको निप्पल हमेशा क्लीन करना चाहिए, या पूरे दिन में आप बाथ ले रहे हो तो निप्पल आपको क्लीन करना है, आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो आपको क्लीन करना है। वो क्लीनिंग का प्रोसेस जब आप ठीक तरीके से नहीं कर पाते हो, उसकी साफ़ सफाई आप नहीं रख पाते हो, तो तब भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट में कुछ यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो जाता है। कई बार आपके जो ब्रा होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उसका फिटिंग आपको प्रॉपर नहीं होता, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाता है। कई बार आप पानी प्रॉपरली नहीं पी रहे होते हो, जितना पानी आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना आप नहीं ले रहे होते हो, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट पे कोई इंजरी हुई होती है, कई बार यहाँ पे ब्रेस्ट पे कुछ लग जाता है, कुछ चोट लग जाती है, तो हम थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, बट उसकी वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाता है। तो ये तो वो एक कारण कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी, होम रेमेडीज़ की भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये दाना हो रहा है और आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाते हो, अगर आपके साथ ये वाला सिचुएशन है तो होम रेमेडीज़ की और अभी नहीं जाते हुए आप सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करते हैं उसके साथ साथ आप होम रेमेडीज़ कर सकते हो, बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसमें आपको क्या हेल्प मिलेगी कि जब भी आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो उनको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है तो कई बार क्या होता है, वो दाना जो होता है, वो एक्स्ट्रा जो स्किन होती है, वो कई बार रिमूव करनी पड़ती है, क्योंकि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे होते हो। तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो हैं उनका जो भी प्रोसेस रहता है उससे उसको जो स्किन है वो रिमूव कर देते हैं, या फिर कई बार सिर्फ एंटीबायोटिक्स की हेल्प से भी ये दाना चला जाता है, तो एंटीबायोटिक्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या होती है कि इस टाइम पे आपको ब्रेस्ट को बिल्कुल मॉइस्ट करके रखना चाहिए, तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र भी आपको रेकमेंड कर देते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए बिल्कुल सेफ होता है। तो ये कुछ स्टेप हैं जो डॉक्टर आपको सजेशन देते हैं, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। बट अगर आपको दाना हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम है, अभी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा पा रहे हो, तो आप होम रेमेडीज़ के लिए फिर जा सकते हो। होम रेमेडीज़ में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहिए, ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। उसमें क्या होता है कि जब आपको दाना हो गया है और ब्रेस्ट फीडिंग आप स्टॉप करा दोगे, तो जो भी अंदर दूध बन रहा है उसका आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है,
तो दूध पिलाना आपको बंद ही करना है, थोड़ा बहुत पेन है तो उसको आप बर्दाश्त कर सकते हो, बट ब्रेस्ट फीड आपको बच्चे को जो है बिल्कुल कराते रहना है। फिर सेकंड चीज़ का जो आप ध्यान रख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इस टाइम पे अपना ब्रेस्ट जो है, अपना निपल जो है वो बिल्कुल मॉइस्ट करके रखना है। तो एक अच्छा मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपके ब्रेस्ट, आपके निपल जो है वो बिल्कुल मॉइस्ट रहे। फिर आपको जो करना है क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार मैंने आपको पहले भी बताया कि साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको हो जाता है। तो हर बार आपको क्या करना है, जैसे आप बाथ ले रहे हो तो डेफिनेटली गर्म पानी से, गुनगुने पानी से आप बाथ लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपके निपल्स, आपके ब्रेस्ट वॉश हो जाते हैं। बट हर फीड के बाद, मतलब जब भी आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, हर एक फीड के बाद और हर एक फीड से पहले, ये दोनों टाइम पे आपको ब्रेस्ट को जो है, अगर आप बेड से उठ पा रहे हो तो थोड़ा सा आप वॉश कर लो, नहीं तो एक गीले कपड़े की हेल्प से आप क्लीन कर लें। तो आप ये ध्यान रखोगे आपको साफ़ सफाई बिल्कुल रखनी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़े। पानी आपको बराबर पीते रहना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो जाता है। तो पानी आप पीते रहिए, मतलब फ्लूइड्स आप लेते रहिए, जैसे पानी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया, जो भी आपको अच्छा लगता है, उस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा हाइड्रेटेड आप रखिए। तो उस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको अपनी फीडिंग पोजीशन का, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कई बार क्या होता है कि जब आप बच्चे को फीड करा रहे होते हो, आपका जो पोजीशन है वो करेक्ट नहीं होता, उसकी वजह से प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाता है। तो वो थोड़ा सा करेक्ट करने की आप कोशिश कीजिए, वो सही करने की कोशिश कीजिए, तो ये जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाता है और आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं आता है। तो पोजीशन का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। थोड़ा सा मसाज आप कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलता है। और जब आप नहाते हो तो थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट उसमें डाल के फिर आप बाथ ले सकते हो, या थोड़ा सा सिकाई आप कर सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ऐसे टाइम पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा वगैरह आप नहीं पहने, और अगर वायर्ड ब्रा आप पहन रहे हो तो वो आप बिल्कुल नहीं पहने। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो भी आपको कंफर्टेबल ब्रा है, जो कंफर्टेबल क्लॉथ्स हैं वो आप पहने, और जिससे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस ना करना पड़े। फिर आपको कभी भी लग रहा है कि आपको ब्रेस्ट में यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो आपको इमीडिएट उसको ट्रीट करना है, नहीं तो ये दाने वाला प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो इमीडिएटली आपको ट्रीट करना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ का जो और आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी ब्रा पहन रहे हो या जो भी कपड़े आप पहन रहे हो, उसका फैब्रिक इस तरीके का होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना बॉडी में नहीं आए, बहुत ज़्यादा पसीना आपके ब्रेस्ट पे नहीं आए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पसीने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाता है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और कभी भी कुछ भी आपके ब्रेस्ट पे इंजरी हुई है या आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा भी लगी है ब्रेस्ट पे, इमीडिएटली उसका जो है उसको भी आपको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो भी कई बार ही आपको ये जो प्रॉब्लम है दाने वाला वो आपको फेस करना उसकी वजह से पड़ सकता है। तो ये थे हमारी साइड से कुछ सॉल्यूशंस, कुछ होम रेमेडीज़। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताया कि इमीडिएट आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो होम रेमेडीज़ के साथ में आप जा सकते हो, और अगर आपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया है, जो भी उन्होंने आपको सजेशन दिया है, कुछ मेडिसिंस या जो भी, उसको आप करते रहिए। साथ साथ जो होम रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है वो आप करते रहिए, उससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।